खबर बिहार से, जहां अररिया में बीजेपी के सांसद के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मंच से नारे लगवा रहे नेताजी बिहार के अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह हैं। प्रदीप सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया में भाषण दे रहे थे। मंच पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। प्रदीप सिंह के इस बयान के वायरल होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके राज में हो क्या रहा है? प्रदीप जी के भाषा नहीं है जो अररिया के सांसद है, ये भाषा नीतीश कुमार जी की है। बिहार बीजेपी गिरिराज सिंह की इस यात्रा को निजी बताकर पहले ही खुद को अलग कर चुकी है। वहीं सहयोगी जेडीयू भी यात्रा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। देश सबका है, देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इसीलिए ऐसे बयानवीरों के कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर। असल में यात्रा जिन जिलों में निकाली गई वो सीमांचल का इलाका है, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।